राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है आज से शुरू हो गया है। और आपको बता दें, आज पहले दिन सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। तो बता दें कि बागीदारा से उपचुनाव में जीते बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को आज जो है शपथ दिलाई जाने वाली है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि विधानसभा की जो सत्र की जो आज जो शुरुआत हुई है, क्या कुछ हंगामा अभी फिलहाल जो है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। और किस तरीके से जयकृष्ण पटेल आज जो है सभी लोगों के बीच रहकर हंगामे के बीच रहकर शपथ लेंगे या शांति पूर्वक ली जाएगी शपथ, दिखाते हैं आपको। क्या है? आप बात तो सुन लीजिए, आप बात सुनिए, आप चुप रहिए। आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें, कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए। नहीं, इससे पहले भी मुझे ध्यान आ गया, इससे पहले भी 93 के अंदर सेम स्थिति हुई थी। दिसंबर 31 को विधानसभा बुलाई गई, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद दोबारा फरवरी के अंदर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है, ये संविधानिक है, ये संविधानिक है। बात हो गई, संविधानिक का जवाब सुन लो, मान्य प्रतिपक्ष, संविधान का जवाब सुन लो। सुनिए, उत्तर हो गई, जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, संविधान का जवाब। डोटासरा जी, विपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का जवाब सुन लो, संविधान का। इनको बात हो गई, जवाब का सुनना है कि नहीं, संविधान का जवाब सुनना है कि नहीं? मैं व्यवस्था देता हूँ, संविधान का जवाब, इतना जवाब दे रहा हूँ, बैठिए। आपको कहना जाए, फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। आप पहले मेरे को सुने, अरे कानून मंत्री उत्तर तो देगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपकी बात आ गई ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बात हो गई पूरी, आ गई ध्यान में, अरे सब मैंने कर ली भाई, अरे सब आ गई, माननीय आ गई। अब एक बात सुन ले, फिर सुन लो, अरे दोबारा आवश्यकता होगी, दोबारा बिना अनुमति के बोलना संवैधानिक है। अरे अरे बिना आश्चर्य के अनुमति के बोलना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति से, संविधान की, संविधान का आधार लेके माननीय विपक्ष नेता का गलत इंटरप्रिटेशन, कानून के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन, या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए जानबूझकर छिपाया गया है। 176 पढ़ दिए, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, अभी पढ़ रहा हूँ, ये लो, यही पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, अब आगे दोनों की बात, पूरी पूरी निवेदन कर दूं। ये द्वितीय सत्र है, ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है, पहला स्पीकर है, दूसरा से आपका आज सदन, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के बाद में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र नहीं है, ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा, हाँ यही पढ़ रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो पहले, अरे ये सुनो, सुनने की क्षमता ही नहीं है, ये नहीं है, सुनो, अरे सुनो, सुन लो, सब सुनते नहीं, मेरे भाई साहब सुने, सुनिए, अरे मैंने पढ़ ली भाई, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानसभा वाले राज्य दिशा में समावेश सदनों को अभिभाषण विधानमंडल के आह्वान किया जाएगा, एक ही बार होगा, राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होगा, वो हो गया है, दूसरी बार नहीं होता है, वो सत्र गिन लिया है, कानून की जानकारी नहीं है, या कानून पढ़ा नहीं है, या पढ़ने के बावजूद गलत इंटरप्रिटेशन है, एक ही बार होगा। ये जो वर्ड है, द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिसलेटिव असेंबली, नॉट और, एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन है, ये फर्स्ट सेशन में होगा, सेकंड सेशन में नहीं होगा, इट इज सेकंड सेशन है। आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए, अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, आपका भी विषय आ गया, उनका भी आ गया, दोनों का रिकॉर्ड भी आ गया, अब मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। एक मिनट बात सुनिए, लोकसभा में तो स्पीकर बंद करते हो आप, यहाँ भी मेरा स्पीकर बंद करने लगे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, या तो बोलने तो दीजिए हमें, मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार बार माइक बंद कर देते हैं। आसन पाओ आप राजा। माननीय सदस्यों, विपक्षी नेता ने जो मुद्दा उठाया, हमारे संसदीय मंत्री ने भी कुछ रखा,
दोनों को सुनने के बाद ये व्यवस्था है हमेशा प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष तथा 2024 के प्रथम सत्र में संबोधन हो गया। 2024 का यह द्वितीय सत्र है, इसीलिए राज्यपाल के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते व्यवस्था हो गई, हम आपकी बात मान लेंगे, व्यवस्था हो गई। मैं अध्यक्ष जी अरे भाई रुको यार, अब बताइए। एक मिनट, हम आपकी बात मान लेंगे। एक मिनट, आप तो ये बता दीजिए इस नए साल का पहला सत्र कब आपने बुलाया? नए साल का नहीं होता है। आप प्रथम सत्र बता दीजिए, प्रथम सत्र आपने कब बुलाया ये बता दीजिए। पहला बता दीजिए, सत्र दिसंबर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। दिसंबर का कैसे साल गिरा जाएगा? अध्यक्ष जी, ये वर्ड है नॉट और, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये कंटिन्यू सेशन है भैया, एक बार हो गया है, दोबारा नहीं होगा। अध्यक्ष जी व्यवस्था, अध्यक्ष जी बात सुनिए, बात सुनिए, बैठिए। व्यवस्था के बाद मान्य व्यवस्था के बाद चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़िए, बधाई संदेश सुनिए, आज चर्चा नहीं, दोनों का आ गया रिकॉर्ड में वो उसका, आप व्यवस्था हो गई। अब तुझी बधाई संदेश, देखिए राजस्थान विधानसभा के व्यवस्था हो गई, आप बैठिए, करिए करो, करिए करिए। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद ये आपका यह संसद अपमान है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करते हो, ये आपके सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, इससे आप अखबार में छप जाओगे, लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। आप श्री जय किशन जी पटेल, श्री जय किशन जी पटेल, गुरु गोविंद को नमन, मामा बालेश्वर दयाल को नमन और मानगढ़ के शहीदों को नमन। मैं जय कृष्ण जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, प्रकृति पूर्वज की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जोहार सलाम, आप सब की जय, जय लोकतंत्र। सीटों में जाइए, अपने सीटों में बैठिए। आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। बधाई हो आपको, थैंक यू। उधर से निकल हो गया, अरे हो गया, मैं अपने को मर्यादाओं का पालन करना है। अपने सीटों में बैठ जाइए, बधाई संदेश। राजस्थान विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे श्री ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष